नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत उजियारपुर बाजार में बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन व बिहार राज्य किसान सभा ने प्रतिरोध मार्च निकालकर उजियारपुर स्टेशन चौक के पास भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। उजियारपुर स्टेशन चौक से शुरू हुई यह प्रतिरोध मार्च संपूर्ण उजियारपुर बाजार का भ्रमण कर वापस स्टेशन चौक पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया, जिसकी अध्यक्षता माकपा नेता जगदीश प्रसाद महतो ने किया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्र में पेश की गई वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट किसान एवं मजदूर विरोधी है। उनके द्वारा पेश की गई बजट में मजदूरों व किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहां तक कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की राशि में भी कटौती कर ली गई है। यह बजट केवल पंजीतियों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस बजट में ना तो खाद बीज पर ध्यान दिया गया है और ना ही कृषि उपकरणों अथवा MSP पर ही ध्यान दिया गया है। यह बजट शुद्ध रूप से मध्यम वर्गीय विरोधी है। सभा के अंत में केंद्र सरकार व वित्त मंत्री के विरोध में नारेबाजी करते हुए वित्त मंत्री का पुतला दहन भी किया गया। मौके पर किसान सभा के अंचल मंत्री अवधेश कुमार मिश्र, खेतिहर मजदूर यूनियन के अंचल मंत्री कुंवर प्रसाद सहनी, मनोज कुमार, अशोक रजक, विजय रजक, अनिल सहनी, राजकुमार सहनी, बुधन रजक, लालो देवी, मंटून सहनी, सुरेंद्र पासवान आदि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मंत्री मुर्दाबाद, साथियों आवाज तो हम एक है। ये इंकलाब रोजगार के लिए जो ये इस समय कटौती है, अभी हम लोग वित्त मंत्री का यहाँ पर उत्तरा दहन करेंगे। इससे पहले हमारे जो खेत में शिक्षा स्वास्थ्य में कटौती करने वाला वित्त मंत्री मुर्दाबाद, युवाओं के रोजगार में कटौती करने वाला वित्त मंत्री मुर्दाबाद। देखिए, पिछले दिनों जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया, उस बजट में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार गारंटी अधिनियम है, वो अधिनियम है, वो योजना नहीं है। और उस अधिनियम में भारत सरकार लगातार कटौती किए जा रहा है। पिछले दिनों कटौती करने के बाद जो 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष गुजरा है, उसमें आज के डेट तक 10,000 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है भारत सरकार के ऊपर। एक साल से मजदूर काम कर करके रोड पर भटक रहा है पैसों के लिए, और ये सरकार पिछला पैसा तो चुकता नहीं किया और इस बजट में और कटौती कर दिया, जिसका परिणाम है कि मजदूरों का गांव में रोजगार घटेगा, पलायन बढ़ेगा और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा होगी। भारत सरकार का 2023-24 का जो बजट आया है, यह बजट विशुद्ध रूप से किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय व्यवसायी, नौजवान, तमाम लोगों का अनदेखा करते हुए यह बजट विशुद्ध रूप से पूंजीपतियों के पक्ष का है और पूंजीपति का ही इस बजट से विकास होने की बात है। किसान मजदूर और नीचे जाएंगे,